देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। शिव शक्ति भवन का भव्य उद्घाटन, देखिए कहां बना भवन। औरंगाबाद सेवा केंद्र के द्वारा शिव शक्ति भवन का भव्य उद्घाटन संस्था के संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोग ने बीके संतोष के कर कमलों से संपन्न हुआ। सभी ने बड़े ही उमंग उत्साह से इस उद्घाटन समारोह को संपन्न किया। इस कार्यक्रम की शुरुआत कलश रैली निकालकर भव्य तरीके से की गई। इस रैली में माताओं ने अपने सर पर कलश धारण किया था, साथ ही रथ यात्रा भी शामिल की गई थी। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके शांता ने सभी अतिथियों का सत्कार किया और औरंगाबाद सेवा केंद्र प्रभारी बीके शीला प्रभाग एवं महादेवनगर सेवा केंद्र के द्वारा निर्माण की गई पावर ऑफ पीस प्रदर्शनी वैन महादेवनगर पहुंची। इस वैन के द्वारा सोसाइटी स्कूल तथा स्लम एरिया में क्लासेस की सेवाएं हुई। इस दौरान पूर्व न्यायाधीश महेंद्र चावड़ा समेत कई विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। अमेरिका में शिकागो सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना ने परिवार में शांति की शक्ति की आवश्यकता क्यों है और वर्तमान समय में कैसे हम शांति की शक्ति को जागृत कर कार्यान्वित कर सकते हैं जैसे विषयों पर मार्गदर्शन किया, तो बीके हेमना, बीके मनीषा, बीके विवेक समेत अन्य सदस्यों ने यात्रा का लक्ष्य, उद्देश्य, मेडिटेशन एवं आध्यात्मिक चर्चा प्रदर्शनी के द्वारा अनुभूति कराई और अपने अनुभव भी साझा किए। इसके बाद वैन शाहपुर पहुंची। मंदिरों के शहर काशी के महमूदगंज स्थित ब्रह्म कुमारी के डिवाइन संस्कार शाला के द्वारा शिशु मंदिर विद्यालय में मेधावी विद्यार्थियों को बीके लता, बीके यश और बीके हर्ष के द्वारा ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई और बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। इस दौरान स्कूल के प्राचार्य वेद प्रकाश को ब्रह्म कुमारी की किताब टच द लाइट बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने हेतु दी गई। मौके पर प्राचार्य ने कहा कि वे जल्दी ही नैतिक शिक्षा की क्लास शुरू कर टच द लाइट किताब को उसमें शामिल करेंगे। इस कार्यक्रम में आरएसएस के विशिष्ट लोग तथा बच्चों के अभिभावक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। तमिलनाडु में सेलम के एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में परीक्षा के भय से कैसे बचें और मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, इसकी शिक्षा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें ब्रह्म कुमारीज को आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर बीके अवधि ने 250 बच्चों को राजयोग सिखाने के साथ ही सशक्त बनने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर विश्वनाथन समेत कई लोग उपस्थित रहे। रीवा सेवा केंद्र की बीके अमरीशा ने गर्ल्स कॉलेज में मेडिटेशन के माध्यम से रोगों पर मुक्ति विषय पर अपना वक्तव्य दिया। इस अवसर पर बीके डॉक्टर शालिनी, कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर नीता सिंह समेत 200 से ज्यादा छात्राओं ने राजयोग सीखा और प्रतिदिन अभ्यास करने का संकल्प लिया। गुड़ी पाड़वा के अवसर पर टिकरापारा सेवा केंद्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए बीके मंजू ने कहा कि नए वर्ष में सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम तन को स्वस्थ बनाने के साथ साथ सकारात्मक विचारों के लिए सत्संग जरूर करेंगे। इस दौरान सभी को शुभकामनाएं दी गई और भारत माँ की आराधना की गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज़।